हेलो वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे टैली प्राइम में? तो प्राइम ये है, देखिए यहाँ पर ये टैली प्राइम है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं क्रिएट पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्टॉक आइटम पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम तो बनाने के लिए विंडो आ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक साथ मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने के लिए नहीं आता है। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम के लिए कहाँ से हम बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद हमें कहाँ जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है। ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है, यहीं पर आपको आना है। अगर आप अल्टर पे भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी, क्योंकि अल्टरेशन के लिए ये यूज होता है, तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक आइटम में मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने के लिए कोई भी यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमको कहाँ चलना है, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट पे। यहाँ देखते हैं कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये स्टॉक आइटम दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये माउस पहले से बना हुआ है कि स्टॉक आइटम, ठीक है। मल्टी मास्टर पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टी क्रिएट दिया हुआ है, तो एक साथ बहुत सारे स्टॉक आइटम आप बना पाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑल आइटम्स दिया हुआ है। यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आइए, पहला स्टॉक आइटम बना लीजिए। नेम ऑफ आइटम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल लैपटॉप, तो ये हो गया डेल का लैपटॉप, ठीक है। एंटर प्रेस किया, इसको किस किसके अंडर में रखना है, तो अभी प्राइमरी रख लेते हैं, अंडर ऑर्डर की बात बाद में करते हैं। यहाँ पे एनओएस कर लेता हूँ, यूनिट बनी हुई है। अगर आपने यूनिट नहीं बनाया, बिना यूनिट बनाए करेंगे तो दिक्कत आएगी, जैसा कि कमेंट आता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है ओपनिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, तो अभी चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। परचेज करते समय यहाँ पे क्वांटिटी हम डालेंगे, अभी इसको छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे रेट वगैरह डिसाइड भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी दे देंगे तो रेट पे भी चला जाएगा और आप डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको एनवेस करके और यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एचपी का लैपटॉप कर देते हैं, तो ये कर दिया मैंने एचपी लैपटॉप LAPTOP, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर भी कुछ भी अभी डालना नहीं है, केवल यूनिट हम डाल देते हैं यहाँ पर आकर के, ये एनओएस कर देते हैं, बाकी नीचे आएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आसूस का लैपटॉप है, तो ये आसूस कर दिया, और ये लैपटॉप, तो ये कुछ इस तरीके से आसूस का लैपटॉप, इसका भी हमने बना लिया, और यहाँ पर भी एनओएस कर देंगे। तो एक साथ तीन स्टॉक आइटम, और भी चाहते हैं बनाना तो और भी बना लीजिएगा। ये सब बन गया है, कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ये हो गया सब। अब बाहर आते हैं, एंट्री पास करते हैं, तो वी प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के लिए, और परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले सकते हैं, अगर आप कैश देना चाहें तो कैश भी दे सकते हैं। फिलहाल क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर परचेज अकाउंट, ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए एचपी का लैपटॉप है, 7th क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, एक लैपटॉप की कीमत पड़ रही है हमको 45,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया, 7th क्वांटिटी आ गई। इसके बाद डेल का लैपटॉप है, तो ये डेल का लैपटॉप ले लिया हमने, एक लैपटॉप ले रहे हैं डेल का, कीमत पड़ रही है हमको 35,000 या 34,000 रुपए, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे। अब आसूस का लैपटॉप ले लेते हैं, तो ये आसूस का लैपटॉप हो गया। यहाँ पर आसूस का दो लैपटॉप ले रहे हैं हम, कीमत पड़ रही है हमें 32,000 रुपए, तो ये हमने कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमने मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाया। अगर आपने जीएसटी एक्टिवेट किया है, देखना पड़ेगा कि इस कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट है कि नहीं, करेंगे यहाँ पे नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक आइटम भी आप क्रिएट करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके।